मगर हाँ, आलस के कारण या कहीं पे अपनी भोग विलास के कारण अगर आप अपना संकल्प तोड़ देते हैं तो सॉरी, फिर भगवान की कृपा को एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है आज के इस व्लॉग में। दोस्तों आज है शनिवार, हमारे प्रभु का वार, और क्षमा चाहता हूँ आज बहुत दिनों बाद व्लॉग बना रहा हूँ Q&A वाला, क्योंकि बीच में बिजी था, सेमिनार था कहीं पर। आपको तो पता है मैं ग्लिम्सेस डालते रहता हूँ अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर। एक स्पेशल व्लॉग भी आने वाला है जो कुछ ही दिन में आने वाला है, उसकी तैयारी हो रही है, तो मैं जरूर बताऊंगा आपको कि एग्जैक्टली कैसा गया हमारा सेमिनार, क्या हुआ और मुझे क्या फील हुआ उस सेमिनार को अटेंड करने के बाद। तो वो सारी चीजें मैं एक व्लॉग में लाइक इकट्ठा करके आप सभी को बताऊंगा। और आज वी आर बैक, मैं वापस आया हूँ एक Q&A सेशन लेकर, जिसमें आपके 3 इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब देने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि क्या पता आपके कई सवालों के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आप सबसे पहले देख सकें। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो ज्यादातर भक्तों के द्वारा पूछा जाता है कि क्या अगर घर में किसी को हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं लंबे समय से, या हेल्थ इश्यूज जारी है घर में, कोई ना कोई मेंबर बार बार बीमार पड़ रहा है, तो क्या उस सिचुएशन में हम हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं या नहीं? क्या हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद प्रभु की कृपा से हमारी सेहत अच्छी होगी या नहीं? क्योंकि कई भक्त मैं समझ सकता हूँ काफी लंबे समय से अपने सेहत में चैलेंजेस के कारण जूझ रहे हैं, सोल्यूशन नहीं मिलता है, दवाइयां खाने के बाद भी आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेरा रिप्लाई यही होगा, आपने बड़े बड़े गुरुजनों से सुना होगा कि यस, दवा के साथ दुआ भी जरूरी है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कि अगर आप कई बार डॉक्टर्स भी जब गिव अप कर देते हैं कि भाई अभी मतलब आप जाओ घर पे लेकर जाओ अपने फैमिली मेंबर को और खुद सेवा करो क्योंकि हमारे बस में नहीं है, या कोई ना कोई ऐसा जवाब डॉक्टर के द्वारा भी दिया जाता है कि अब सब कुछ प्रभु पर छोड़ दो, ऊपर वाले पर छोड़ दो, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो देखो दोस्तों, मैं यही कहूंगा यस, आप कर सकते हैं हनुमान चालीसा का पाठ, और कैसे करना है एक छोटा सा उपाय बताऊंगा, क्योंकि काफी बड़े बड़े गुरुजनों ने इस उपाय के बारे में डिस्कशन किया हुआ है अपने सत्संग प्रवचन में, तो आप ध्यान से सुनिएगा क्या किया जा सकता है। देखो अपने हमें तो पता ही है कि हनुमान चालीसा में कितनी शक्ति है, हर मर्ज की एक ही दवा हनुमान चालीसा, और स्पेशली हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयों में एक चौपाई है कि ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। वैसे तो और भी कई पाठ है जो हम हनुमान जी की कृपा पाने के लिए, जैसे हनुमान बाहु का पाठ भी हम कर सकते हैं, मगर चलो सबसे ज्यादा पाठ किया जाने वाला पाठ है हनुमान चालीसा, तो उसी पर मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। तो सबसे पहले एक काम करें, आपके घर में जो भी मंदिर है या प्रभु का स्थान है वहां पर धूप दीप करिए, आसन पर बैठिए, एक जल का पात्र, ग्लास हो या आप लोटा वगैरह घर में जो होता है हर के घर में, तो वो जल का पात्र पवित्र जल से भरकर प्रभु के सामने रख दीजिए, आसन पर बैठकर राम नाम की धुन करिए, राम नाम का स्मरण करिए और दिल से हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ध्यान से सुनना, आप एक बार करो, 7 बार करो, 11 बार करो, जितनी भी बार करो दिल से करो। देखो मैं कई बार बोलता हूँ, भले आप एक बार करो या 100 बार दिल से करो, मैं कई बार बोलता रहता हूँ, क्योंकि कई बार होता क्या है कि भक्त एकदम एक्साइटमेंट में पढ़ तो लेते हैं 100-100 बार, मगर वो दिल से वो अटैचमेंट नहीं होता हो पाती प्रभु से। तो एक बार भी चाहे क्यों ना पढ़ो, दिल से पढ़ना, ठीक है, प्रभु से प्रार्थना करना, और उस हनुमान चालीसा का पाठ होने के बाद उस जल के पात्र को घर में जो भी पीड़ित व्यक्ति है, जो बीमार है, ठीक है, लंबे समय से बीमार हो या दवाइयों से सोल्यूशन ना मिल रहा हो, तो प्रभु के नाम का स्मरण करके, ना से रोग हरे सब पीरा, लास्ट में फिर से एक बार बोल के उस जल के पात्र को उस पीड़ित व्यक्ति या जो बीमार व्यक्ति है या सदस्य आपके घर में है उसको प्रभु का नाम लेकर पिला दीजिए, पूरे विश्वास के साथ पिला दीजिए। क्योंकि देखो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमें सिर्फ यही करना है, दवा के साथ दुआ जो हमारे गुरुजन भी बोलते हैं, ठीक है, मैंने अपने स्पेशली बागेश्वर धाम के श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जो अगर प्रवचन सुना होगा वो भी यही कहते हैं, क्योंकि कई बार सवाल उठते हैं कि क्या हमें सिर्फ प्रभु की भक्ति करने से ही सोल्यूशन मिल जाते हैं, तो देखो प्रभु की कृपा तो होती है, मगर साथ साथ अगर आप बीमार हैं तो ऑब्वियसली दवाई भी लेनी जरूरी है, मगर कई बार होता क्या है वो दवाई भी बेअसर हो जाती है, कई बार ऐसी ऐसी बीमारियों में डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं या सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो यस दवाई जारी रखिए, मगर उसके साथ प्रभु की कृपा भी अगर आपके साथ है
तो आपको सॉल्यूशंस मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इस उपाय को जरूर करिएगा, क्योंकि मुझे काफ़ी भक्तों ने ये पूछा है बड़े गुरुजनों के प्रवचन सुनने के बाद, और कई भक्तों के मैंने एक्सपीरियंस भी इसके रिलेटेड शेयर किए हैं जिनको ये काफ़ी लाभ हुआ है। तो प्लीज़ आप भी अगर आपके घर में कोई है ऐसा व्यक्ति जो बीमार है, तो ये उपाय जरूर करिएगा, देखना प्रभु की कृपा उस सदस्य पर जरूर होगी। दूसरा सवाल, कल ही मुझे एक हमारे सब्सक्राइबर है, हनुमान जी के भक्ति हैं, उन्होंने एक मैसेज किया था इंस्टाग्राम पर, और इसके रिलेटेड काफ़ी मैसेजेस पहले भी आए हुए हैं और मैंने क्लैरिफाई भी किया हुआ है, मगर फिर से जो नए सब्सक्राइबर हैं जिनको नहीं पता, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। अगर आप हनुमान चालीसा का संकल्प ले रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, ओके, अगर आप हनुमान चालीसा का संकल्प ले रहे हो, उदाहरण के तौर पर आपने 21 दिन का संकल्प लिया है, 10 दिन आपके हो गए हैं पाठ करके, और पता चला है कि आपके कुटुंब में या फैमिली में दुर्भाग्यवश किसी का देहांत हो गया है और आपके घर में आपको सूतक का पालन करना है, और आप सभी को तो पता होगा कि सूतक के वक्त आप पूजा पाठ नहीं कर सकते, तो क्या हम उस सूतक को खत्म होने के बाद हमें जीरो से शुरू करना है वो संकल्प, या कंटिन्यू कर सकते हैं जो भी आगे की गिनती है? ये सवाल था उस भक्त का, तो उसका क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा। देखो, जीवन मरण हमारे हाथ में नहीं है, सूतक चाहे जन्म का हो या मरण का हो, या महिला भक्तों के लिए मासिक धर्म की समस्या हो, ये सारे एक क्या ना चैलेंजेस आते हैं हमारे भक्ति के मार्ग में। तो एक काम, देखो ये हमारे हाथ में है नहीं, ये जेन्युइन इश्यू है, तो समझो 10 दिन अगर आपके हो गए हैं और सूतक है, और सूतक हर एक के घर में, आप अपने जो कुल के ब्राह्मण हैं उनको पूछ सकते हैं कि कितने दिन का पालन करना है, किसी के घर में 11 दिन होता है, किसी के घर में 14 दिन का सूतक पाला जाता है, या जन्म का सूतक कई बार लंबा हो जाता है, अगर आपके घर में डिलीवरी हुई है तो कई बार सवा सवा महीने भी हो जाता है। तो जहां पे आपकी गिनती रुकी है, जैसे ही सूतक खत्म होता है, आप फिर घर में सब पवित्रता आ जाती है, फिर आप प्रभु के सामने क्षमा याचना मांगकर प्रभु सच्चे दिल से फिर से, समझो कि आपका 10 पाठ हुआ है, 10 दिन बीत गए हैं संकल्प के, तो आप 11 काउंटिंग से फिर आप अपना संकल्प कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर से जीरो से शुरू करने की जरूरत नहीं है। मगर हाँ, आलस के कारण या कहीं पे अपनी भोग विलास के कारण अगर आप अपना संकल्प तोड़ देते हैं, तो सॉरी, फिर भगवान की कृपा को एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। जेन्युइन रीजन है, अगर सिचुएशन आपके हाथ में ऐसी नहीं है, तो यस, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा सवाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ज्यादातर घरों में ये हो रहा है। मान लीजिए कि आपके घर में लाइक 4 मेंबर है, आप अकेले ही हो जो ज्यादा पूजा भक्ति कर रहे हो, प्रभु के निकट हो, प्रभु पर आपका दृढ़ विश्वास है, मगर आपके लाख कोशिशों के बाद भी आपके बाकी के घर के सदस्य पूजा भक्ति या चमत्कारों या कृपा पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, प्रभु की शरण में नहीं जाना चाहते, अपने कंफर्ट जोन के बाहर नहीं जाना चाहते, वे बस अपने लाइफ में मस्त रहना चाहते हैं, उनको लाइफ की रियलिटी नहीं पता है कि भाई एट द एंड ऑफ द डे हम सभी को प्रभु के पास ही जाना है। तो कई लोगों के स्ट्रगल्स होते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि फॉर एग्जांपल समझो आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जो मान ही नहीं रहा है, प्रभु की महिमा के बारे में जानना ही नहीं चाहता है, मान ही नहीं रहा है, आप कोशिश करने के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपकी भक्ति दृढ़ है मगर आप किसी के दिल में भक्ति नहीं जगा पा रहे हो, तो टेंशन ना लो, दुखी ना होना, क्योंकि देखो प्रभु की शरण में वही जा पाता है जब प्रभु की मर्जी होती है, प्रभु का नाम वही जप सकता है जब प्रभु की मर्जी होती है। तो एक काम करो ना, आप प्रभु से ही प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे घर में ये सदस्य है, जो भी रिलेशन है आपका उनसे, माता पिता भाई बहन चाचा चा जो भी है, जिनको आप चाहते हो कि वे प्रभु की शरण में आए, जो नेगेटिव बोलते हैं भक्ति के मार्ग पर, भगवान के बारे में गलत बोल रहे हैं, तो उनके दिल में भक्ति की ज्योत जलाने के लिए आप प्रभु से ही प्रार्थना करें, प्रभु से सच्चे दिल से प्रार्थना करें, प्रभु मैं मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है, आपके बिना ये संभव नहीं है, जो कुछ करना है आपको ही करना है, प्लीज़ कोशिश करिए, मैंने तो हलाक कोशिश की मगर मन दुखी हुआ, मगर आप तो सर्वोपरि हो, आपको तो सब पता है, तो प्लीज़ मेरे घर में वो सात्विक वातावरण रहे, भक्ति का वातावरण रहे, वो आपके हाथों में है, तो प्लीज़ मेरे घर में जो भी सदस्य है, देखना कई बार इंस्टेंट परिवर्तन आ जाता है, मैंने देखा है कई बार, पता नहीं अभी जैसे पिछले ही एक सेशन था, एक भक्त का मैंने शेयर किया था हमारी मेन चैनल में, जिसमें उस भक्त को वो रियलाइज़ हो गया था कि चलो प्रभु के मार्ग पर है, समझो कई लोग गुरु दीक्षा भी लेते हैं तो वो प्याज लहसुन छोड़ देते हैं, मगर उसके पापा मानने को तैयार नहीं थे, मगर पता नहीं उन्होंने वो एक्चुअली बागेश्वर धाम को काफ़ी मानते हैं, तो वहाँ पे पापा के दर्शन हुए, पता नहीं जब वो ट्रेन में थे तो अंदर से उनके पापा को हुआ कि नहीं मुझे अभी छोड़ देना है। ये कब हुआ?
जब ये उनकी मर्जी से होता है, वो भक्ति जगानी है तो वही जगाएंगे, भाव जगाना है तो वही जगाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करने के बावजूद भी अगर कोई मान नहीं रहा है तो टेंशन ना लो, जो भी अगर अर्जी है तो प्रभु के सामने लगाओ, उनको तो सब पता है, उनकी लीला तो हमारे इमेजिनेशन के भी बाहर है, बड़े बड़े नास्तिक आस्तिक हो गए हैं, ठीक है। तो टेंशन ना लो, प्रभु से प्रार्थना करो, वे ही असंभव को संभव करेंगे। और दोस्तों आप सभी को तो पता ही है कि प्रभु के नाम का गुणगान करे बिना तो हम व्लॉग को एंड कैसे कर सकते हैं, तो आप सभी भी जुड़िएगा इस पंक्तियों का गुणगान करने के लिए, अगर आपको आती है, मेरे दिल के बहुत ही करीब है, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मेरे तन मन धड़कन में सिया राम राम है, मन मंदिर के दर्पण में सिया राम राम है, तू ही सिया का राम, राधा का तू ही श्याम, जन्मो जन्म का ही ये साथ है, मीरा का तू भजन, भजते हरी पवन, तुलसी में भी लिखी ये बात है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, जय श्री राम। बहुत करीब है ये पंक्तियां मेरे दिल के, आपको अगर ये पंक्तियां भजन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले हमारे फैमिली से जुड़े नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आप सबसे पहले देख सके। तब तक जय श्री राम, गुड बाय।